ने अभी भी कहा कि तबादला एक प्रशासनिक निर्णय है, हम एज एन ऑफिसर जो है हमेशा इसके रिगार्ड करते रहे हैं टाइप का, और जो भी सरकार असाइनमेंट देती है उसको ईमानदारी पूर्वक करने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि लगभग 11 महीने से कुछ कम दिन जो है, इनफैक्ट मैं यहाँ पे एज ए डिप्टी कमिश्नर पदस्थापित रहा, जो भी असाइनमेंट गवर्नमेंट ने दिया, चाहे वो इलेक्शन कराने का काम था या फिर जो है विकास का कार्य हो या फिर कोविड को लेकर हम सब लोग बड़े पजल रहे, पूरी टीम ने इनफैक्ट जो है पूरी टीम बोकारो ने बड़ी मेहनत की और कई इंडिविजुअल ने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा, ऑब्वियस है कि जिसकी वजह से हम लोग 43 दिन तक तकरीबन एक भी केस हम लोग के पास बीच में नहीं रहा। तो दैट वाज द बिग अचीवमेंट। लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है अभी कि वो सस्टेनेबिलिटी रहे इनफैक्ट, कि वो हम लोग केसेस को कैसे कंट्रोल कर पाए, और चूंकि बहुत एग्रेसिव सैम्पलिंग अभी हम लोग बोकारो के भीतर कर रहे थे टाइप का, सर ने भी अभी बताया इनफैक्ट कि वो इसको और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और दैट इज़ द ओनली वे। और बाकी बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहा, मुझे बोकारो में अच्छा लगा, बाकी लोग तय करेंगे कि भाई जिले के प्रशासक की भूमिका कैसी रही, लेकिन मुझे अभी तक अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव रहा। तो मैंने एक नारा दिया था, मुस्कुराइए आप बोकारो, मैं चाहूँगा इनफैक्ट, मेरी विश रहेगी कि जो है बोकारो में आने वाले समय में लोग जो है और इस कोविड से पार पाएँ और मुस्कुराते रहें। बोकारो में कई अच्छे काम भी हुए हैं लेकिन कोरोना के चलते कई काम ब्रेक हो गए, क्या लगता है? हाँ, डेफिनेटली एक बड़ा हर्डल था लॉकडाउन की वजह से, कई कार्य जो है प्रभावित हुए और कई चीज़ों के ऊपर निर्णय नहीं लिया जा सका, कई निविदाएँ जो है स्थगित करनी पड़ी इनफैक्ट, और फिर जो है एक स्लो डाउन डेफिनेटली विकास कार्यों में आया, लेकिन धीरे धीरे वक्त लगेगा जब पूरी दुनिया इस चैलेंज को फेस कर रही है। डेफिनेटली कई चीज़ें हैं जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो आप प्लान करते हैं, इस मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हम लोग उसको उस रूप में नहीं कर पाए, बिकॉज 10 महीने का टाइम भी एक रिजनेबल टाइम है, लेकिन कई चीज़ों के ऊपर निर्णय बाधित होने से या फिर इस मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो है हम लोग कई कार्य जो है पूरा नहीं करा पाए टाइप का, लेकिन ये चलता रहता है। मुझे लगता है कि जो भी हमारे सक्सेसर हैं, सर ने कहा है इनफैक्ट कि बहुत इसको पॉजिटिवली जो है कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आने वाले वक्त में भी दिखाई पड़ेंगी। राज्य सरकार ने एक नज़ीर पेश की है दृष्टिविहीन व्यक्ति को, जो IAS हैं उनको बोकारो का उपयोग, आप लोग उस सेवा में हैं, क्या लगता है सर? मैं कहता हूँ, मानता हूँ हमेशा कि UPSC ही ऐसी संस्था है जो हर बैकग्राउंड के लोगों को, चाहे वो जिस भी बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हों, उनको मौका देने का एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है, और सर ने चार्ज लिया है वो भी उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और डेफिनेटली ये निर्णय जो हम सब लोगों के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, हम सब लोग बहुत इंस्पायर्ड और प्राउड फील करते हैं जब आपको जो है जब ऐसी कोई आपको ऐसी पॉजिटिव स्टोरी एकदम लाइव आप उसके आई विटनेस हैं एक तरह से, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि आई एम फीलिंग वेरी प्राउड अबाउट दिस डिसीजन इनफैक्ट कि सरकार ने यह निर्णय लिया, और ये सचमुच में बहुत ही उम्दा निर्णय और हम सबको प्रेरित करने वाला है।